Yes. We are now. Let's play a story. I am running my business. I have so many transactions with bank, right? I have opened my current account with bank. So I have appointed my PA who usually deal with the bank authorities, right? One day what happened? I sent my PA to get the bank statement. कभी आपने सुना होगा, पेरेंट्स ने बोला होगा बैंक से स्टेटमेंट लेनी. सो बैंक स्टेटमेंट कैन बी ऑफ द टाइम पीरियड फॉर विच यू वॉन्ट इट. आमतौर पर बैंक पूरे साल की स्टेटमेंट भी इशू करता है, बट नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको प्रिंटआउट मिल जाते हैं एंड फॉर दैट द बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विसेज, जिसे हम आमतौर पर बैंक चार्जेस कहते हैं, हमारे अकाउंट में से कट जाएंगे. इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ. मैंने अपने पीए को भेजा क्योंकि मेरे सीए ने डिमांड करी थी बैंक स्टेटमेंट. मेरे सीए को लगा कि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो मैंने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन हो सकता है कि मेरी बैंक ट्रांजेक्शन हुई हो. सो इन ऑर्डर टू मैच इट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरर्स, माय सीए आस्क्ड मी टू गेट योर बैंक स्टेटमेंट. सो फॉर दैट आई सेंट माय पीए टू गेट द बैंक स्टेटमेंट. जैसे ही बैंक स्टेटमेंट आई, उसमें एक एंट्री हुई हुई है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. बैंक स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. बैंक स्टेटमेंट में बैंक क्यों पे करेगा मेरा प्रीमियम, बैंक क्यों पे करेगा मेरे बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि मैंने बैंक को इस साल के बिगिनिंग में एसआई दी हुई है, मींस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई. बैंक के सिस्टम में सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली ये डेट्स उठा ली और मेरे अकाउंट में से ये पैसे माइनस कर दिए और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये पे कर दिया, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ये पे कर दिया. बट आई स्किप्ड ना, मेरा जो अकाउंटेंट था, मेरा जो अकाउंटिंग स्टाफ है, उन्होंने ये दो एंट्रीज करनी स्किप कर दी. आपको नहीं लगता मेरे बैंक अकाउंट्स में और मेरे पर्सनल अकाउंट्स में मिसमैच होगा? आपको नहीं लगता आपका बैंक बैलेंस बड़ा रहेगा क्योंकि आपने दो ट्रांजैक्शंस पेमेंट की दिखाई नहीं? एसआई यू आर गेटिंग सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस. बैंक के क्लाइंट्स बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हर महीने हम पेमेंट की बॉदरेशन नहीं ले सकते. आई डू हैव गिवन एसआई एज नॉट एज अ बिजनेस वुमन हियर, लाइक आई हैव अ सैलरी अकाउंट विद एसबीआई बैंक एंड एवरी मंथ माई इंश्योरेंस प्रीमियम गोज, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. फॉर दैट सिंस 8 or 9 ईयर्स बैक I gave instructions to bank and every month my insurance premium is being deducted. Once I took loan from the bank, then loan ke installment bhi seedha mere account mein se katti thi. You are getting me? To SI mein bank ka software wo sari instructions aapki cash karta hai aur jo date aap batate hain bank ko, usi particular date ko aapki utni ki deduction ho jati hai. Similarly, when I am running my business and I gave certain instructions to bank, I forgot or my accounting staff forgot it. बट बैंक थोड़ी ना भूला. तो सीए ठीक था ना मेरा, जब सीए ने बोला कि कुछ ट्रांजेक्शन मिस हो गई लगती हैं मेरे को, तो आप बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लो. ठीक, अब आते हैं हम इस चैप्टर के पर्पस पे. व्हाई डू वी प्रिपेयर बीआरएस? बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस दैट योर कैश बुक बैंक कॉलम, आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक में पड़ा पैसा दोनों के बैलेंस में डिफरेंस है. वैसे तो दोनों सेम होने चाहिए ना, क्योंकि कैशबुक का बैंक कॉलम भी तो क्या शो करता है. व्हाट द बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक शोस? योर बैलेंस इन द बैंक. एंड व्हाट योर बैंक बैलेंस शोस? और वो कहां से पता चलेगा? हर बैंक आपके बैंक अकाउंट के लिए आपको एक बुकलेट इशू करता है जिसे पासबुक कहते हैं. उस पासबुक में आपके बैंक की सारी ट्रांजेक्शन होती है. कभी पेरेंट्स की पासबुक देखी है आपने? ठीक है, अगर वो वहां से विड्रॉ करवाते हैं तो माइनस हुई होती है अमाउंट, अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो अमाउंट ऐड हुई होती है. ठीक है, अगर आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट बैंक काटता है तो वो भी माइनस होगा. आपके एटीएम के चार्जेस हर साल के बाद, ठीक है, ईयरली, वो आपके अकाउंट में से क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं. ठीक है, सो जब कभी भी आप पासबुक देखो तो ऐसे कॉलम बने होते हैं, विड्रॉल और ऊपर एक डिपॉजिट, फिर यहां पे बैलेंस का होता है. विड्रॉल को बैंक अपनी लैंग्वेज में डेबिट कहता है. बैंक के लिए पैसे का माइनस होना क्लाइंट के अकाउंट में से मींस डेबिट है, रिवर्स है. मेरे लिए डेबिट का होना डेबिट व्हाट कम्स इन,
इट मींस कि बैंक की सोच और क्लाइंट की सोच दोनों में डिफरेंस है। डिपॉजिट आप कभी भी देख लेना, वहां पे क्रेडिट वर्ड लिखो। और कभी आप अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट अगर ऑनलाइन या नेट बैंकिंग ली है और एसएमएस बैंकिंग ली है तो कभी मैसेज देखना, अगर मेरे लोन की इंस्टॉलमेंट कटी है तो लिखा होता है योर अकाउंट डेबिटेड। अगर एटीएम से विड्रॉल करवाया है योर अकाउंट नंबर दिस दिस दिस, कभी मैसेज पड़ा डेबिटेड। अगर मैंने एटीएम मशीन में पैसे जमा भी हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे डिपॉजिट की भी फैसिलिटी है, तो योर अकाउंट गॉट क्रेडिटेड। इट मींस कि बैंक हमें क्रेडिट कब करता है, जब मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है, और बैंक हमें डेबिट कब करता है। पूरे चैप्टर में ये दो चीजें आपने याद रखनी है। That's why I'm telling you, बैंक हमें डेबिट कब करता है, जब मेरे अकाउंट में से कुछ कटता है। बैंक हमें क्रेडिट कब करता है, जब मेरे अकाउंट में कुछ जमा होता है, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, व्हाट इट मींस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, व्हाट इट मींस, यस, हमें इंटरेस्ट मिला है, मेरे अपने बैलेंस में मिला होगा, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ये तो पता ही है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक मींस मेरे अकाउंट में से कटा है पैसा। सो इन whole of this chapter you will just be matching your own bank column of cash book with the passbook. aap passbook mein hui hui entry, kyunki passbook mein entry computerized hui hai, computer ne galti na ke barabar ki hogi, galti aap hi se hui hogi manual, aap kuch entry dalna bhul gaye, ya aapne kisi ko check for example 60,000 ka kaat ke diya, bank check chala gaya, aapne 60,000 likha aur check mein do language mein kyunki likha hota hai 60,000 वर्ड्स में भी लिखा होगा, 60,000 आपके अकाउंट में से माइनस हो गए, जिसको भी आपने चेक काट के दिया, आपके क्लर्क ने जब एंट्री करी ना एक जीरो स्किप कर दी, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 54,000, सो दैट डिफरेंसेस कैन अराइज, एंड इट इज 100% पॉसिबिलिटी दैट एवरी टाइम योर बैंक कॉलम बैलेंस एंड योर पासबुक बैलेंस विल नॉट मैच। हाउ दैट इज टू बी मैच, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। उस बैलेंस को कैसे मैच करना है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिन्हें एब्रीवेशन की फॉर्म में बीआरएस कहा करेंगे, एंड फुल फॉर्म इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कोई भी बिजनेसमैन कभी बीआरएस नहीं बनाता, हम पर्सनली बैंक में विजिट कर लेते हैं और उससे पूछ लेते हैं या स्टेटमेंट ले लेते हैं और मैनुअली उसे मैच कर लेते हैं। नोबडी प्रिपेयर्स लाइक दिस। कभी किसी सोल प्रोप्राइटर को आपने सुना नहीं होगा कि बीआरएस बनाओ, सारा खेल प्लस माइनस का है। बैंक में अगर कुछ प्लस हुआ है आप डालना भूल गए हैं तो बैंक की स्टेटमेंट ले आओ, अब प्लस कर दो ना। बैंक में कुछ चीज माइनस हुई है लाइक आपका प्रीमियम, आप डालना भूल गए हैं, बैंक की स्टेटमेंट के साथ मैच करो, आप भी उसकी जर्नल एंट्री कर दो, ठीक है। क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें ट्रिक सिखाता है वो, कि कल को आप अगर अपना बिजनेस चलाओ या आप सीए बनो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैचिंग होती है दो बुक्स की। हाउ वी थिंक, हाउ वी प्रोसीड, how the things are to be added and deducted, pure chapter mein add or less hai bas, and with certain logics. If somebody asks from you, is it a ledger account BRS? No, it is a statement, because it never gets starts with to and by. Iski koi left hand side or right hand side nahi hai, koi bhi item yahan pe to prefix ya by prefix ke sath nahi likhi jati. Like trial balance, it is also a statement. How that statement is to be prepared, aur pure chapter mein hamare 5 methods hai. In the first case, we will be starting with cash book balance positive. In the second case, we will be starting with cash book balance negative. अभी बताऊंगी सारा कुछ. Similarly, we will be starting with passbook balance positive. We will be starting with passbook balance negative. And the very important topic at the last, we will be doing amended cash book. 5 topics हैं पूरे chapter में. जितना theory का मैंने बताना था बता दिया. बाकी chapter जब खत्म करेंगे, आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स बैठे होंगे तो मैं थ्योरी बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक करने, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है आई टोल्ड यू, डन। अब अभी भी बुक की जरूरत नहीं है, वन इमेजिनरी एग्जांपल आई विल बी राइटिंग ऑन द बोर्ड, विद योर पार्टिसिपेशन वी विल थिंक प्लस हुआ के माइनस, ठीक है। पहले बीआरएस का फॉर्मेट देखो, सी द फॉर्मेट, I will be calling it BRS as on या as at. Monthly बनता है क्योंकि महीने से ज्यादा का अगर BRS बनाएंगे बहुत सारी transactions add हो जाएंगे, हमारे लिए उसको solve करना और उन गलतियों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, better है every month.
बीआरएस प्रिपेयर करो ताकि जो गलती जहां पे जिस महीने में हुई है उसी टाइम पकड़ी जाए, ठीक है, हमारे लिए भी आसानी होगी बाद में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। लेट्स सी, ब्रॉडर कॉलम यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, इस कॉलम को पर्टिकुलर्स कहा करेंगे, बुक जैसे मर्जी करे, हमने या तो यहाँ ऐसे प्लस लिखना है और इधर माइनस लिखना है, या प्लस का साइन डाल दो, यहाँ पे माइनस का साइन डाल, बुक ने दो चार क्वेश्चन डेबिट क्रेडिट करके किए हैं, दो चार क्वेश्चन प्लस माइनस के साथ किए हैं, वी विल बी फॉलोइंग थ्रू आउट दिस चैप्टर अ सिंगल मेथड, एडलेस कर दो, ठीक है, या प्लस माइनस, डन, यही वर्डिंग चलेगी। सो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, everybody will pay attention here, बाद में लिखने का मौका दूंगी, पहले सुन लो प्लीज, अगर लॉजिक नहीं समझ आएगा फिर गड़बड़ हो जानी है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, सी बुक मतलब कैश बुक, साथ में लिखा है डेबिट, डेबिट का मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, कैश इज माई एसेट, अगर उसके साथ डेबिट लिखा है तो पॉजिटिव है, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है, अगर क्रेडिट लिखा है तो आप सोच समझ के बताना, कैश कभी नेगेटिव हो सकता है, कैश कभी नेगेटिव होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि वॉट एवर इज इन योर हैंड दैट ओनली यू विल स्पेंड, यू कांट स्पेंड मोर देन इन योर हैंड, लेकिन इस चैप्टर में एक इमेजिनेशन ले ली कि यस कैश कैन बी नेगेटिव, क्योंकि कई बार आप उधार पे भी तो कर लेते हो, ठीक है, तो अगर आपका कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा या डेबिट लिखा है, यू विल राइट दैट अमाउंट इनटू द प्लस कॉलम, क्योंकि पॉजिटिव है, कैश इन हैंड है, अगर कभी बहुत कम बार होगा कि वो कैश बैलेंस के साथ क्रेडिट वर्ड लिखे तो आपने उसे माइनस में लिख देना, बस इतना ही डिफरेंस है, आमतौर पर प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा, लेकिन इस चैप्टर में वो कुछ अज्यूम करता है और वो कैश बुक और कैश इन हैंड का बैलेंस नेगेटिव लिखता है, ठीक है, और वो अज्यूम भी नहीं करता, लॉजिक इज नाउ विद मी, बिकॉज ये जो बैलेंस है, मैंने क्या लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ विच कॉलम, ऑफ विच कॉलम, बैंक कॉलम, तो बैंक कॉलम कैन हैव द नेगेटिव बैलेंस ना, व्हाट आई एम गोइंग टू मैच थ्रू आउट द चैप्टर, व्हाट आई एम गोइंग टू मैच, पासबुक विद माई बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, सो बैंक कॉलम कैन हैव नेगेटिव बैलेंस ना, एम आई राइट ऑर नॉट, ठीक है, अगर डेबिट वर्ड लिखा है तो उसे पॉजिटिव में लिखना, अगर इसके साथ क्रेडिट वर्ड लिखा है तो उसे नेगेटिव में लिखना, अगर कोई आपसे पूछे कैन इट हैव द नेगेटिव बैलेंस, यस इट कैन हैव द नेगेटिव बैलेंस, बिकॉज वी आर नॉट रेफरिंग इन दिस चैप्टर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, वी आर रेफरिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और बैंक कॉलम का नेगेटिव होता है, ठीक है जी, अब तो लॉजिक क्लियर है, अब कुछ एक लाइनें मैं लिखूंगी और वो इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, चेक्स इशूड ₹6700 नॉट येट एनकैश्ड, क्या मतलब है इसका, 6700 के चेक मैंने किसी को इशू किए, इशूड का मतलब चेक काट के देना, एज अ बिजनेस वूमेन मैं किसको चेक काट के दूंगी, आमतौर पे यूजुअली मैं किसको चेक काट के दूंगी, मेरे सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को, जिनको मेरे को पेमेंट करनी है, ऐसे तो नहीं ना बांटती जाऊंगी, आई एम नॉट हेयर फॉर सोशल सर्विस दैट आई एम इशूइंग द चेक टू एनीबडी, लाइक आई एम लाइक डोनेटिंग समथिंग, नो आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई वांट इट इन बी द प्रॉफिटेबल पोजीशन, सो आई विल बी मेकिंग द पेमेंट टू माई क्रेडिटर्स, मैंने उन बंदों को चेक काट के दिए, जैसे मैंने चेक काट के दिए, ध्यान से लॉजिक सुनना, मैंने अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर ली, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, चेक काट के दिए तो टू बैंक ही किया होगा ना, ठीक है, आपको नहीं लगता आपने अपने बैंक कॉलम का पैसा डाउन कर लिया, चेक काट के, पूरे चैप्टर में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो में यूज किया करूंगी, एज एंड व्हेन यू इशूड चेक यू डिक्रीज योर बैंक बैलेंस, जिन बंदों को चेक काट के दिए डेट थी उसके ऊपर 10th October, ठीक है, मैं बना रही हूं 30th, पिछला महीना ले लेते हैं, डेट थी उसके ऊपर 17th September, 30th September आ गई, वो बंदे अभी बैंक में जाके पैसे नहीं निकलवाए, जब वो बंदे क्योंकि चेक की लाइफ होती है 3 महीने, इधर दे स्किप्ड और दे वर वेटिंग, चलो थोड़े दिनों के बाद चले जाएंगे, या टाइम नहीं मिला, दे आर बिजी पर्सन, कुछ भी कारण हो सकता है, वो बैंक में से पैसे निकलवाने नहीं गए,
आपने अपनी कैशबुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डाउन कर लिया है, क्या पासबुक में भी डाउन है? पासबुक में तो बड़ा होगा क्योंकि वो निकलवाने ही नहीं गए। तो वर्डिंग इज क्लियर, वर्डिंग इज क्लियर। नॉट येट इन कैश, इट मीन्स कि दे आर नॉट रिपोर्टिंग टू द बैंक टू गेट द मनी इन कैश। जब तक बैंक के पास कोई चेक लेके नहीं जाएगा, बैंक मेरे अकाउंट में से थोड़ा ना माइनस करेगा। तो एक कारण बनाना दोनों बुक्स की मिसमैचिंग का, ऐसे कारण आएंगे क्वेश्चन में। अब मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, मेरी कैशबुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डाउन है, मैंने किसके अकॉर्डिंग सोचना? जिस बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है आपने उस बुक के अकॉर्डिंग नहीं सोचना, आपने दूसरी बुक के अकॉर्डिंग सोचना, क्योंकि मैंने अपने कैशबुक को पासबुक के अकॉर्डिंग मैच करना है दूसरी बुक के अकॉर्डिंग। तो जो आपका क्वेश्चन में बिगिनिंग पॉइंट होगा आपने उससे रिवर्स वाली बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। पासबुक में बैलेंस बढ़ा रहा, अगर मैं इसमें भी बढ़ा दूं तो दोनों बुक्स मैच हो जाएंगी, क्योंकि कारण सुनो, मैंने दूसरी बुक के अकॉर्डिंग क्यों सोचना है? आई विल स्टार्ट विद द कैश बुक बैलेंस एंड माई आंसर विल कम बैलेंस एज पर पासबुक, दूसरी बुक का बैलेंस आएगा आंसर। कैशबुक के बैलेंस से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी एंड आई विल अराइव एट द पासबुक बैलेंस। सो जो दूसरी बुक में हो चुका चाहे गलत ही है, टेम्पररीली चाहे गलत है, लेकिन जो दूसरी बुक में हो गया इस बुक में भी वैसा कर दो, दोनों बुक्स मैच हो जाएंगी। तो मैंने कर दिया ना, पासबुक बड़ी हुई है इसको भी बढ़ा दिया, आप इसको कम कर चुके थे ना, करना चाहिए था, करना चाहिए था। चेक इशू करे हैं अभी, निकलवाए थोड़ी ना, बताओ, सोचो, प्रैक्टिकल होके सोचो। You issued the check. It's just a formality. You just handed over a paper. वो बंदा बैंक में पैसे निकलवाने ही नहीं गया। आपका बैलेंस तो अभी खड़ा रहा ना, आपका बैलेंस तो अप रहा, किसमें? किसमें? पासबुक में। आप कैशबुक में भी उसे बढ़ा दो तो बात खत्म होगी, क्योंकि BRS का मतलब ही क्या है, दोनों बुक्स को मैच करना। एंड हियर आई एम मैचिंग इट, हियर आई एम मैचिंग इट, डन। कैशबुक गिवन है, आई विल बी थिंकिंग रिवर्स, दूसरी बुक के अकॉर्डिंग इस बुक को सही करूंगी, यही लॉजिक है। मैंने क्या बोला, पासबुक में माइनस थोड़ी ना हुआ समृद्धि, यही तो सोचने का ढंग है। हाँ पासबुक में ज्यादा है तो इसमें भी ज्यादा कर दो ना, इसमें तो आप कम कर चुके हो। बैंक वालों ने कोई एंट्री नहीं करी क्योंकि वो बंदे निकलवाने ही नहीं गए पैसे। सोच किसके अकॉर्डिंग रही हूँ, दूसरी बुक के अकॉर्डिंग। दूसरी बुक कौन सी है, पासबुक। स्टार्ट किससे किया, इस बुक में एंट्री कर चुके हो, should be pass the entry, should be pass the entry, should, okay, pass भी छोड़ो, should be reduce the amount, क्यों? क्योंकि वो लोग निकलवाने ही नहीं गए। तो बैंक was right in this case, बैंक तो तब एंट्री करेगा या आपके अकाउंट को तब डाउन करेगा जब बंदे निकलवाने जाएंगे, निकलवाने ही नहीं गए। आपने वैसा क्या कर लिया हुआ, डाउन, और आप अपने लेवल पे ठीक हो क्योंकि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करनी थी, लेकिन BRS का पर्पस क्या है, दोनों बुक्स को मैच करना। And hereby I am matching my bank column of cash book with the passbook. Passbook में up है तो यहाँ पे भी up कर दो, ठीक है? अगली कहानी सुनो। I received two checks, outstation checks, ठीक है? एक 3500 का है, दूसरा 30,000 का। ये चेक अपने आप में पेपर हैं, जब तक मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाऊंगी, मेरे कौन में देगा मेरे को चेक? कौन देगा मेरे को चेक? माई कस्टमर्स, जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा हुआ, मींस माई डेटर्स, ठीक है? आई रिसीव टू आउटस्टेशन चेक, वन इज ऑफ दिल्ली एंड अदर इज ऑफ लुधियाना। कोई बात नहीं, कहीं के भी हो चेक, मैं बैंक में जब तक इन्हें डिपॉजिट नहीं करवाऊंगी तब तक क्या ये चेक कैश में कन्वर्ट होंगे? और अकाउंट पाई है, मींस मेरे को मेरे अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं। आई सेंड माई क्लर्क टू डिपॉजिट दीज चेक इन टू बैंक, बैंक फॉरगेट टू पास द एंट्री। आप बताओ, और बैंक हैज नॉट येट पास द एंट्री, क्योंकि दोनों आउटस्टेशन चेक हैं। आउटस्टेशन चेक को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है भाई, और बैंक वालों ने हमें बोला 5 to 7 days लगते हैं। आपने जैसे ही चेक भेजे आप क्या एंट्री कर चुके हो, आप बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, क्योंकि आपने इमीडिएटली भेज दिया ना, कैश बुक करवाई हुई है ना, ऑन द सेम डे आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। दोनों चेक्स के लिए 33,500 से आपकी कैश बुक अप है, बैंक विल टेक टाइम, 30th सितंबर तक बैंक ने इसकी एंट्री नहीं करी तो आपको नहीं लगता पासबुक डाउन है? पहली बुक क्या है, CB, दूसरी बुक क्या है, PB। किस बुक के अकॉर्डिंग सोचना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। आप कैश बुक बढ़ा चुके हो, पासबुक में अभी डाउन है तो इसे भी डाउन कर दो ना,
वर्डिंग क्या लिखेंगे? चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट, नॉट येट, नो नो इन कैश वर्ड नहीं, नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक और कलेक्टेड बाय बैंक और नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक, तीनों में से कुछ भी। बैंक ने अभी तक उसे क्लियरेंस में नहीं लगाया, बैंक ने अभी तक उसके अगेंस्ट पैसा कलेक्ट नहीं किया, तो पासबुक में मेरा बैलेंस क्या रहा? डाउन। आप गलती से एंट्री कर चुके, गलती नहीं आप सही भी हो, आप कैशबुक बढ़ा चुके हो लेकिन पासबुक अभी क्या है? डाउन है। दोनों बुक्स को मैच करना बीआरएस का पर्पस है, सो आई एम जस्ट मैचिंग बोथ द बुक्स। इफ पासबुक इज डाउन तो इसमें भी डाउन कर दो, ठीक है। ऑन 29th September बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, बस इतना लिखा। ऑन 20 मैं 30 सितंबर तक बना रही हूं बीआरएस। ऑन 29th September बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, क्या मतलब है इसका? बैंक ने मेरे अकाउंट में से मान लो 250 रुपए काट लिए, बस इतना लिखा है। ये वो एंट्री है जो बैंक में हुई है, मीन्स कैशबुक में नहीं हुई, ठीक है। मेरे को सपना थोड़ी ना आएगा, और बैंक ने मेरे को कोई इंटीमेशन भी नहीं भेजी, देयर वाज नो इंटीमेशन फ्रॉम बैंक साइड। अगर पासबुक डाउन है तो आपकी कैशबुक तो अप है, क्योंकि आपने बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं करी। ये तो पैसा सीधा मेरे अकाउंट में से कट गया 29 सितंबर को, बैंक ने मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी, और मान लो इन्फॉर्मेशन आई भी है तो 2 अक्टूबर को आई है, मीन्स 30 सितंबर तक तो नहीं थी ना इन्फॉर्मेशन। 30 सितंबर तक आपकी कैशबुक क्या थी? अप। आप किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो? पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक में डाउन है तो इसमें भी डाउन कर दो, बात खत्म हो जाएगी, दोनों बुक्स मैच हो जाएंगे। सो दिस वॉज अ इंट्रोडक्टरी सेशन, हाउ यू विल बी मैचिंग टू बुक्स। यू विल बी स्टार्टिंग विद वन बुक, द बैलेंस ही विल बी गिविंग यू इन द क्वेश्चन। You will be thinking that other book is correct. जो दूसरी बुक में हुआ है वो इस बुक में करते जाओ, दोनों बुक्स ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। सिंपल सा तरीका है भाई, एक बुक के बैलेंस से आप स्टार्ट हुए हैं, दूसरे बुक के बैलेंस पे आपको पहुंचना है, तो जो दूसरी बुक में हुआ है वो इस बुक में करते जाओ। अगर उधर प्लस हुआ है तो इधर भी प्लस कर दो, अगर उधर माइनस है तो इधर भी माइनस कर दो। 50% 40% 30% भी समझ आया हो, enough, ठीक है। अभी कुछ किया क्या है? I just spoke something about the chapter. Directly we will start doing the question now, and each and every question you will find something different. Har question mein kuch na kuch aapko different milega, and you just need to get an idea. Simple English mein hai, aapko usse translate karna hai, aapko uska meaning samajhna hai, and in that manner you have to proceed to do the numerical question. Theek hai, chalo let's start with. Mere ko lagta first mein kuch samjhaya hai, second se start kare. मैं ना सेकंड फॉलो अप करवाती हूँ, आपको पता भी चल जाएगा आंसर मैच होता है कि नहीं, ठीक है। मेरी टेक्निक से बुक वाला जैसे मर्जी सॉल्व करे, आपने मेरे वाला मेथड ही फॉलो कर लो। प्लस और माइनस, अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। फॉलो अप टू, अनसॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, लेट्स सी। ओके, फॉलो अप वन इज ऑल्सो देयर, अनसोल्ड है, वही करते हैं पहले। दलीप तिवाना इन माय बुक पेज नंबर इज 11.17, मैंने बोला हर महीने के एंड में बीआरएस बनता है, सो दिस टाइम ही इज प्रिपेयरिंग बीआरएस ऑन 28th February। समटाइम्स ऑफ फेब्रुवरी इज ऑफ 29 डेज एंड समटाइम्स इट इज ऑफ 28 डेज, तो ये नॉन लीप ईयर होगा, 28 फरवरी को वो बना रहा है, कोई बात नहीं। ऊपर लिखिए बीआरएस, बंदे का नाम लिखना है तो साथ में लिख देना ऑफ दिलीप तिवाना एज एट 28 फरवरी 2019, नॉन लीप ही है ना, एज एट 28 फरवरी 2019। तीन कॉलम्स में पूरा क्वेश्चन सिमटा हुआ है, सारा खेल प्लस माइनस का है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में भी लाइन अपने आप नहीं बनानी, जो उसने दी है उसमें थोड़ा सा हेर फेर करेंगे एंड वी विल बी कॉपिंग द लाइन, ठीक। पहला कॉलम प्लस, दूसरा कॉलम माइनस, आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिख सकते हो, आप इसे प्लस और माइनस भी लिख सकते हो, प्लस PLUS माइनस MINUS, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हो। चलो जी लेट्स स्टार्ट।
पहली लाइन पढ़ो। ऑन 28 फरवरी 2019 कैश बुक ऑफ दलीप टिवाना शोड बैंक बैलेंस। व्हाट इट मींस, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक में बैंक का बैलेंस कहां से आता है भाई, क्योंकि कैश बुक डबल कॉलम बनती है और कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस कितना है 18500। मींस हमने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करी कि 18500 होना चाहिए। क्या क्या बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। डन, स्टार्ट करें। क्या लिखें, बैलेंस एज पर या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लो या ओनली बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लो। कैश बुक को मैं सीबी कहा करूंगी, आपने पूरा लिखना है ठीक। कुछ नहीं कहा तो पॉजिटिव है, अगर डेबिट कहता तो भी पॉजिटिव होता, अगर क्रेडिट कहता तो नेगेटिव होता ठीक है जी। सो पॉजिटिव डन। चलिए जी, सोचना क्या है, सोच आर्यन, व्हाट वी हैव टू सी, व्हाट वी हैव टू थिंक दैट द अदर बुक इज करेक्ट। पासबुक में जो जो हुआ होगा इस बुक में भी वही करती जाऊंगी, तो दोनों बुक्स ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगी ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो। पढ़ें पहला पॉइंट। चलिए जी, चेक्स पेड इनटू बैंक 12,000। पेड का मतलब डिपॉजिटेड होता है। आपको कहीं से चेक मिले होंगे, आपने 24 फरवरी को बैंक में जमा करवाए, जैसे ही आपने बैंक में जमा करवाए आपकी सीबी बढ़ गई, कहता 28 फरवरी तक बैंक ने अभी तक इसे क्या नहीं किया था, रियलाइज मतलब कलेक्ट नहीं किया था। बैंक ने अभी तक पैसे इसके थ्रू कलेक्ट नहीं किए, रियलाइज का मतलब कलेक्ट नहीं किए। इट मींस कि 28 फरवरी तक सीबी डाउन है। बात वही है, आपको कहीं से चेक मिले, आपने बैंक में जमा करवा दिए, जब बैंक में उन चेक्स की एंट्री नहीं हुई अभी तक 28 फरवरी तक, तो इट मींस कि बैंक का बैलेंस क्या है, डाउन है। मैं किसके अकॉर्डिंग सोच रही हूँ, इसमें भी डाउन कर दूं। वर्डिंग सुनना जरा, नेगेटिव फॉर्म में वर्डिंग लिखनी हमेशा, जो जो उसने लिखा है आई एम रिपीटिंग इट। चेक्स अमाउंट नहीं लिखनी, क्योंकि अमाउंट अमाउंट के कॉलम में आ जानी है। चेक्स पेड इन टू बैंक बट नॉट येट रियलाइज, नॉट येट वर्ड एड करना। चेक्स पेड इन टू बैंक बट नॉट येट रियलाइज, नेगेटिव वर्जन में वर्डिंग लिखनी है एवरी टाइम। वट आई टोल्ड यू, चेक्स पेड इन टू बैंक बट नॉट येट रियलाइज, एक दो बार मैं वर्डिंग लिखा करूंगी, बाद में मैंने सिर्फ बोलना है, मैंने प्लस माइनस करना ठीक है। क्या वर्डिंग है, चेक्स पेड इन टू बैंक, इन टू बैंक भी ना लिखो, लेट्स बी ब्रीफ, पेड का मतलब बैंक में ही ठीक है। अगर लिखना है तो यू कैन पेड इन टू बैंक बट बोलो नॉट येट रियलाइज इन नेगेटिव वर्जन, एवरी टाइम यू विल बी राइटिंग द वर्डिंग इन योर पर्टिकुलर कॉलम। डन, पी बी डन। आगे चलते हैं, चेक्स ड्रॉन फॉर रुपीज 7500 ऑन दिस नॉट येट क्लियर। ड्रॉन का मतलब किसी को चेक काट के दिए, चाहे वर्ड वो इशूड लिखे चाहे वो ड्रॉन लिखे, दोनों का मतलब किसी को चेक काट के दिए। जिसको चेक काट के दिए और जैसे ही चेक काट के दिए आपने अपनी सीबी डाउन कर ली, सी डाउनवर्ड एरो। नॉट येट क्लियर मीन्स वो अभी तक बैंक में निकलवाने नहीं गए, जब वो निकलवाने नहीं गए तो आपकी पीबी क्या है, अप है। हम किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, पीबी के अकॉर्डिंग। बैंक में अगर अप है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, अप, दैट इज 7500। वर्डिंग वर्डिंग, चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट क्लियर, फिर से नेगेटिव वर्जन, चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट क्लियर ठीक है। चलो जी आगे चलो, अगला पढ़ो अपने आप। चेक्स ड्रॉन रीड नेक्स्ट, बैंक ने हम लोगों से इंटरेस्ट लिया, डेबिट का मतलब लिया इंटरेस्ट, कितना 600, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, जैसे ही बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट लिया पीबी डाउन। मैं किसके अकॉर्डिंग सोच रही हूँ, पासबुक के अकॉर्डिंग, पीबी डाउन है तो इसे भी डाउन कर दो ना। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, नेगेटिव वर्जन ऑफ द वर्डिंग। क्या लिखना है वर्ड, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट येट
एंटर्ड इन कैश बुक। सीबी मतलब कैश बुक। आगे चलो, मेरे वाली वर्डिंग आ गई, सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आपने बैंक को पहले से बोला हुआ है मेरा प्रीमियम पे करते जाना, एंड बैंक इज पेइंग योर प्रीमियम। व्हेन बैंक इज पेइंग योर प्रीमियम, वेदर द बैंक बैलेंस विल बी अप और डाउन? डाउन, बिल्कुल ठीक। पीबी डाउन है, आपने इसकी एंट्री कैश बुक में करी है। अगर पीबी डाउन है तो इसको भी डाउन कर दूं, दोनों बुक्स मैच हो जाएंगी। कितनी अमाउंट से? 1800 से डाउन करो। वर्डिंग बोलो, LIC प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, नेगेटिव वर्जन ऑफ द वर्डिंग। आगे चलो, बैंक ने मेरा इंटरेस्ट कलेक्ट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? हो सकता है आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो, वो शेयर का डिविडेंड या डिबेंचर्स का इंटरेस्ट सीधा मेरे अकाउंट में आ रहा है, बैंक के अकाउंट में आ रहा है, मेरे अकाउंट में। जैसे ही वो इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में आया, मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया कि कम हुआ? बढ़ गया। इट मींस की पीबी अप है, तो इसको भी अप कर दूं। ठीक, कितने से? 2500 से। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, नेगेटिव वर्जन ऑफ द वर्डिंग। आगे चलो, मेरे एक कस्टमर ने मेरे से मेरा अकाउंट नंबर पूछा, ठीक, मैंने बता दिया, उसने एनईएफटी के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। क्या हुआ? मेरे एक कस्टमर ने मेरे से मेरा अकाउंट नंबर पूछा, एनईएफटी के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। क्या हुआ? बिल्कुल ठीक, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। मैंने कैशबुक में अभी एंट्री नहीं करी, कैशबुक डाउन है। मैं सोच किसके अकॉर्डिंग रही हूँ? पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक में अगर अप है तो इसमें भी अप कर दो। लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, जो साइड बड़ी है पहले वो टोटल देखो। मेरे हिसाब से ये साइड बड़ी है, ठीक है। दोनों कॉलम्स का टोटल सेम लिखो, बड़े वाला, जैसे लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग में करते थे। जो साइड बड़ी है, एक मिनट, जो साइड बड़ी है वो टोटल लिखो। ये 10,000 बनाई, 18,500, 28,500, 28,500, मैं गलत कर रही हूँ टोटल? कोई अमाउंट गलत लिखी है मैंने? इतना नहीं आ रहा? कौन सी नहीं आनी? लास्ट वाली क्या? डायरेक्ट पेमेंट, ओके डन करो। ऐड 28,500, 5,400, 009, 33,900. Be seated. Let me complete it. Be seated, everyone. दोनों साइड का सेम टोटल, शॉर्टर साइड का टोटल करो, ग्रेटर साइड में से माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा वो लिखो। कितना आता है बैलेंस? कितना आता है दोनों का डिफरेंस? मेरे को देखने दो। 24,400 शॉर्टर साइड, किसमें से माइनस करना है? 39,900 में से 005, 19,500। इसके आगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट हुए, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचे। अब सुन लो, एवरीबॉडी विल पे अटेंशन। अब दोनों बुक्स का बैलेंस मैच हो गया, मेरी कैशबुक में भी बैंक कॉलम का 19,500 हो गया और पासबुक में तो था ही 19,500। आई जस्ट मैच बोथ द बुक्स। दिस इज द पर्पस बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ BRS। डन, rest of the things we will continue. Have you matched the answer? Answer match हुआ है?